अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है कहें भी, तो वो कंफ्यूजन यहाँ दूर किया। और अगर किसी को कोई लेक्चर मिस हो गया है तो वो स्क्रीनशॉट उठाए, या अगर स्क्रीनशॉट नहीं उठा सकते हैं नेट की वजह से तो मुझे फिर बताइए कि मैंने, मुझे फलानी टॉपिक मिस है, तो मैं आपको फिर सेंड करूँगा। ठीक, क्योंकि आगे जो प्रोग्रामिंग है, ये जो कंप्यूटर साइंस है, ये कनेक्टेड है। जो आपने लेक्चर्स पढ़े हैं वो आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, तभी आप आगे कुछ समझ आएगा। अगर वो आप भूल जाते हो या याद नहीं रखते हो, तो आगे को जो लेक्चर्स होंगे, नेक्स्ट यूनिट हमारा होगा, फिर आपको वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा। आएगा या हमने कल पढ़ा ये टोकनस, कीवर्ड्स, ये भी आइडेंटिफायर भी, कॉन्स्टेंट्स भी है ना, करेक्ट। सर नंबर सिस्टम करिएगा। हाँ नंबर सिस्टम वो आपको सर अलग से पढ़ाएंगे उसमें। हाँ वो आपको सर अलग क्लास लेंगे। हाँ उसमें के लिए उसके अलग क्लास होगा। और अगर कोई और किसी को मिस हो गया या किसी को और कोई कंफ्यूजन है वो भी ले सकता है। जी सर, पर इस वक्त नहीं पढ़ाना है। हाँ इस वक्त नहीं, मैं वो संडे को देंगे। संडे को इंशाल्लाह, संडे तो बाकी क्लास ऑफ होते हैं ना। यस सर, संडे को उसमें सारा पढ़ाएंगे, पर्टिकुलर वही क्लास लेंगे। ठीक है, जिसको नंबर सिस्टम पढ़ने का और शौक है या समझ नहीं आया है या और कुछ कंफ्यूजन है तो वो ले सकता है। तो उसके लिए हम टाइम कल बताएंगे। कल सैटरडे है ना? यस सर, कल शाम को हम बताएंगे कि संडे किस टाइम हम अवेलेबल होंगे। ओके, टर्नरी ऑपरेटर हमने पढ़े, स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम भी हमने पढ़ा, मैनिपुलेटर्स पढ़ना, स्ट्रीम डॉट एच ये भी पढ़ा, ये पढ़ा हमने, कॉन्यो डॉट एच जी सर, गेट सी एच ये नहीं पढ़ा, मुझे लगता है आधा ही रह गया था, अधूरा रह गया था, कॉन्यो डॉट एच। हाँ यहाँ से शुरू करेंगे आगे, चलो अगर पढ़ा भी है तो यहाँ से रिपीट करेंगे। ओके, जहां तक मैंने कल पढ़ा आपको, उसमें कहीं आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। हाँ अगर किसी को है तो बोल दीजिएगा, ठीक है, जो आज पूछेगा फिर उसको उम्र भर नहीं पूछना पड़ेगा। जिसको आज कंफ्यूजन रहेगा तो उसको उम्र भर कंफ्यूजन रहेगा, वो कोई पूछ सकता है कभी भी, क्योंकि जो आगे क्लास होगी ट्वेल्थ में वो अलग होगी, वो उस वहाँ आपको ये नहीं बताया जाएगा जो अलहमद बताया जाएगा, है ना। इसलिए आज के जो डाउट्स हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आज ही क्लियर कीजिए, ठीक है। जो आज पूछने से शर्माएगा उसको फिर उम्र भर शर्माना है, ठीक है। जो आज नहीं शर्माएगा वो कभी नहीं शर्माएगा फिर, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हो उल्टा सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, आप ये ना मत समझिए कि उसको गुस्सा आएगा या कोई हंसेगा या और कुछ करेगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ओके, लेट अस स्टार्ट। यूज ऑफ कॉन्यो डॉट एच हेडर फाइल। कॉन्यो डॉट एच मीन्स कंसोल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल। हेडर फाइल, हाँ, इसका फुल फॉर्म है, कॉन्यो की फुल फॉर्म है कॉन्यो, यानी कंसोल, सी ओ एन कंसोल, आई इनपुट ओ आउटपुट, डॉट एच हेडर फाइल, यानी इसकी हम फुल फॉर्म बताएंगे तो है कंसोल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल। ओके, इसके आगे हम लगाते हैं हैश इंक्लूड, है ना, हैश इंक्लूड कॉन्यो डॉट एच, पहले क्या लगाते हैं हैश इंक्लूड। तो हैश इंक्लूड क्या होता है? हैश इंक्लूड इज ए प्रीप प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये प्रीप प्रोसेसर डायरेक्टिव है, जो मैंने कल भी बताया आपको, प्रीप प्रोसेसर डायरेक्टिव ये है कि पहले प्रीप प्रोसेसिंग होती है, फिर ये कंपाइलर को हम प्रोग्राम सेंड करते हैं। यानी कंपाइलर को सेंड करने से पहले हम प्रोसेसिंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रीप प्रोसेसिंग। तो प्रीप प्रोसेसिंग ये हैश इंक्लूड करवाता है, ठीक। प्रीप प्रोसेसर इज ए प्रोग्राम, अब इसका मीनिंग है, प्रीप प्रोसेसर क्या होता है, इज ए प्रोग्राम दैट प्रोसेसेस द सोर्स प्रोग्राम। क्या करता है प्रीप प्रोसेसर? ये सोर्स प्रोग्राम को प्रोसेस करता है बिफोर इट इज पास्ड टू द कंपाइलर, कंपाइलर को सेंड करने से पहले, अंडरस्टैंड। यानी कंपाइलर को सेंड करने से पहले इसको एक प्रोसेसिंग होती है, दैट इज कॉल्ड प्री प्रोसेसिंग, ठीक है।
तो फिर हम प्रोग्राम को सेंड करते हैं कंपाइलर को कंपाइल करने के लिए। तो ये काम करता है हैश इंक्लूड। इट इंस्ट्रक्ट द कंपाइलर टू इंसर्ट कोन्यो डॉट एच फाइल इनटू द सोर्स प्रोग्राम। क्या कहता है हैश इंक्लूड, क्या कहता है हैश इंक्लूड? उसको बोलता है जो आगे फाइल मैंने भेजी है यानी कोन्यो डॉट एच जो आगे फाइल लिखी हुई है इसको सोर्स प्रोग्राम में शामिल करो। व्हाट इज सोर्स प्रोग्राम? सोर्स प्रोग्राम वो प्रोग्राम होता है, सोर्स प्रोग्राम वो प्रोग्राम होता है जो हम खुद लिखते हैं ब्लू स्क्रीन पे, जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम। ठीक है, जब हैश इंक्लूड कोन्यो डॉट एच ऊपर आता है तो उस वक्त क्या होता है, ये कंपाइलर को बताता है हैश इंक्लूड कि कोन्यो डॉट एच जो फाइल है इसको प्रोग्राम में शामिल करो, सोर्स प्रोग्राम में शामिल करो। इसलिए आप देखते हो जब आप प्रोग्राम कंपाइल करते हो तो आप 10 लाइन का प्रोग्राम लिखते हो तो वो फिर जब कंपाइल करते हो तो 1000 लाइन का बन जाता है ना। तो ये 1000 लाइन बाकी लाइंस कहां से आती हैं? ये यही फाइल्स होती हैं जो ऊपर हम इंक्लूड करते हैं, कोन्यो डॉट एच की फाइल्स या आयो स्ट्रीम डॉट एच फाइल जो हम इंक्लूड करते हैं उसी में जो लाइंस होती हैं वही उसमें ऐड होते हैं, फिर वो 1000 या 1500 या ऐसा कुछ बन जाता है। ओके, इट हैज टू मेन इनबिल्ट फंक्शंस। हाँ, अब क्वेश्चन है हम कोन्यो डॉट एच क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या मकसद है कोन्यो डॉट एच इस्तेमाल करने की? ठीक है, तो इसका एक ही मकसद है, इसमें हमारी दो फंक्शंस हैं, दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस इसमें हैं। एक है CLR SCR, CLR SCR की फुल फॉर्म है क्लियर स्क्रीन, CLR क्लियर, SCR स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन। तो क्लियर स्क्रीन क्या करता है, इट इज यूज्ड टू क्लियर द प्रीवियस आउटपुट फ्रॉम द आउटपुट स्क्रीन। ये आउटपुट स्क्रीन से जो पुराना जो कंसोल पे पुराना आउटपुट होता है उसको डिलीट करता है। ठीक है, मैंने आपको प्रैक्टिकली भी दिखाया है कि CLR अगर हम नहीं लेंगे तो जो पुराना आउटपुट वो भी रह जाता है, जो नया आउटपुट आता है वो भी कंसोल पे रह जाता है ना। तो CLR SCR क्या काम करता है, जो पुराना आउटपुट कंसोल पे आता है उसको डिलीट करता है, उसको मैनेज करता है, ये CLR SCR का काम है। लेकिन ये CLR SCR इसकी डेफिनेशन कोन्यो डॉट एच में है, यानी इसका मतलब है अगर हम कोन्यो डॉट एच ऊपर नहीं लिखेंगे तो CLR SCR फंक्शन नहीं चलेगी, एरर आएगी। यू फॉलो मी? जी सर। ओके, इसके बाद है दूसरी इसमें फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज GetCH। इसको गेट नहीं हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं GetCH, क्योंकि इसका एक मीनिंग है, GetCH मीन्स गेट करेक्टर। This function is used to hold the output on the screen until we not press any key on keyboard. GetCH क्या काम करता है? ठीक है, जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो कंसोल पे जो आउटपुट आता है उसको यही GetCH रोक के रखता है। अगर हम GetCH नहीं वहां लगाएंगे अपने प्रोग्राम में तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम रन होगा लेकिन आपको आउटपुट दिखाई नहीं देगा। समझ आ गई मेरी बात? यानी GetCH क्या है, जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं जो कंसोल पे आउटपुट आता है उसको GetCH रोक के रखता है जब तक हम कोई की प्रेस न करें। जब हम उसके बाद कोई की प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं या कोई भी की प्रेस करते हैं तो आपका कंट्रोल वापस चला जाता है सोर्स प्रोग्राम पर, तो तुझे बेस ब्लू स्क्रीन है। ठीक है, तो GetCH का काम क्या है, आउटपुट को रोक के रखना कंसोल पे। तो इसकी डेफिनेशन भी किस में है, कोन्यो डॉट एच में है। यानी ये दो फंक्शन CLR SCR और GetCH तभी चलेंगी जब ऊपर हमने इंक्लूड किया होगा कोन्यो डॉट एच हेडर फाइल। ठीक है, अगर हम इंक्लूड नहीं करेंगे कोन्यो डॉट एच फाइल तो क्या आएगी एरर, कौन सी एरर आएगी, प्रोटोटाइप एरर। ठीक है, कौन सी एरर आएगी, प्रोटोटाइप एरर। जब भी आपको प्रोटोटाइप एरर आएगी तो आप ये समझिए कि मैंने हेडर फाइल ऊपर इंक्लूड नहीं किया है। ओके सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ सी इन ऑब्जेक्ट, हम दो ऑब्जेक्ट हमारे प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं, एक हो गया सी इन ऑब्जेक्ट, दूसरा हो गया सी आउट ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम में, सी इन क्या है, ऑब्जेक्ट है। कभी पूछा जाता है आपको एक मार्क का क्वेश्चन वहां, या कभी मल्टीपल चॉइस आता है, या कभी ये आती है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ब्लैंक आती है वहां, उसमें ये पूछा जाता है सी इन क्या है।
तो आपको याद रखना चाहिए सीएन एक ऑब्जेक्ट है, सीएन इज एन ऑब्जेक्ट विच स्टैंड फॉर कंसोल इनपुट। सी इन को अगर हम ब्रेक करेंगे, सी का मतलब है कंसोल, इनका मतलब है इनपुट, यानी इसका मतलब है कंसोल इनपुट, ठीक है। इसलिए हम इसको पढ़ते हैं सी इन, इसको सिन नहीं पढ़ते हम, इसको सीन इसलिए पढ़ते हैं, सी का मतलब है कंसोल और इनका मतलब है आउटपुट, कंसोल सॉरी इनका मतलब है इनपुट, कंसोल इनपुट। यानी ये जो जब भी हम कोई की प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, कोई भी इनपुट देते हैं कीबोर्ड से, तो कौन लेता है वहां सी इन। सी इन एक ऑब्जेक्ट है जो आपका इनपुट लेता है कीबोर्ड से, अंडरस्टैंड। इट इज डिक्लेयर्ड इन iostream.h हेडर फाइल। इसकी डेफिनेशन कहाँ है? सी इन की डेफिनेशन है iostream.h हेडर फाइल में। यानी अगर हम अपने प्रोग्राम में सी इन इस्तेमाल करते हैं तो जरूरी है कि हम iostream.h हेडर फाइल को ऊपर लिखेंगे तभी सी इन चलेगा, अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो सी इन नहीं चलेगा। इट इज यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस दैट इज कीबोर्ड। ये सी इन हम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस वो होता है कीबोर्ड, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी आप कीबोर्ड इस्तेमाल करेंगे, कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करेंगे तो जब तक सी इन नहीं होगा वो कोई उस पर एक्सेप्ट नहीं करेगा। इट इज यूज्ड विद एक्सट्रैक्शन और गेट फ्रॉम ऑपरेटर। ये हमेशा जो सी इन है ये हम गेट फ्रॉम ऑपरेटर या एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के साथ इस्तेमाल करते हैं। एक्सट्रैक्शन या गेट फ्रॉम ऑपरेटर क्या होता है? ये ग्रेटर देन होता है, ये है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है। तो आपको याद रखिए सीन क्या है? ऑब्जेक्ट है। जो ये ग्रेटर देन है दो बार, ये क्या है? ये ऑपरेटर है। बात आ गई समझ में? जी सर। सीन ऑब्जेक्ट है और जो ग्रेटर देन दो बार लिखते हैं, दिस इज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ये ऑपरेटर है, इसका नाम है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। यानी सीएन के साथ हमेशा हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, जहां सीएन होगा वहां एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जरूरी होगा। देखिए कैसे चलता है, ठीक है। जब हम कीबोर्ड से, ये मैंने पिक्टोरियली आपको बताया, यहां दिखाया है एग्जांपल, जब हम कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हैं तो वो कहां चले जाता है? सीएन में। कौन लेता है वहां? सीएन में, ठीक है। तो सीएन से कहां जाता है? सीएन से ये चला जाता है ऑपरेटर के थ्रू, ऑपरेटर को सेंड करता है। ऑपरेटर का काम क्या है? कोई ऑपरेशन करना है, क्या ऑपरेशन करता है? जो सी इन में हम कुछ देते हैं, डेटा देते हैं, वो ऑपरेटर के थ्रू कहां जाता है? वेरिएबल में चला जाता है, ए वेरिएबल में, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसने लिखा ए इक्वल टू 10, ए इक्वल टू 10, 10 हम किस से लिखते हैं? कीबोर्ड से, ठीक है। फिर कौन लेता है? सी इन इसको लेता है, क्योंकि कीबोर्ड तो सिर्फ सी इन ही रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये ऑपरेटर के ऑपरेटर की मदद से, यानी एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की मदद से ए में चला जाता है, एग्जैक्ट, अंडरस्टैंड, ठीक है। यानी जब हम कीबोर्ड से कोई कुछ भी प्रेस करेंगे तो हम किस में डालते हैं? ये ए में। लेकिन कैसे चला जाता है? पहले सी एन में चला जाता है, फिर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की मदद से कहां जाता है? वेरिएबल ए में चला जाता है, ओके। इसी तरह एक और ऑब्जेक्ट हमारे पास है, यूज ऑफ सी आउट ऑब्जेक्ट। सी आउट इज एन ऑब्जेक्ट विच स्टैंड्स फॉर कंसोल आउटपुट। ये हम इस्तेमाल करते हैं कंसोल आउटपुट के लिए, ठीक है। कंसोल आउटपुट ब्लैक स्क्रीन होती है, जब हम रन करते हैं अपने प्रोग्राम को, पहले प्रोग्राम को लिखते हैं, फिर कंपाइल करते हैं, फिर रन करते हैं, है ना, तीन सेटअप। यस सर। पहले प्रोग्राम को हम लिखते हैं सोर्स प्रोग्राम को, फिर कंपाइल करते हैं, फिर रन करते हैं। जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो उसके बाद एक ब्लैक स्क्रीन आती है ना, दैट ब्लैक स्क्रीन इज कॉल्ड कंसोल, ठीक है। सी आउट इज एन ऑब्जेक्ट विच स्टैंड्स फॉर कंसोल आउटपुट। सी आउट भी इसी तरह, सी का मतलब है कंसोल, आउट का मतलब है आउटपुट, कंसोल आउटपुट। इट इज डिक्लेयर्ड इन iostream.h हेडर फाइल। इसकी डेफिनेशन है किस फाइल में? iostream.h हेडर फाइल में। यानी जहां हम सी आउट इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोग्राम में तो जरूरी यह है कि हम iostream.h हेडर फाइल ऊपर अपने प्रोग्राम में लिखेंगे, तब ही सी आउट ऑब्जेक्ट काम करेगा, वरना नहीं करेगा। इट इज यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस दैट इज कंप्यूटर स्क्रीन। तो ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं? सी आउट, यानी कुछ कोई भी चीज स्क्रीन पे देखने के लिए हम सी आउट का इस्तेमाल करते हैं। बताया गया समझ में? फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखते हैं सी आउट, फिर डालते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, फिर डबल कोट में लिखते हैं माय
नेम इज समथिंग, ठीक है। तो वो कहाँ लिखा जाता है स्क्रीन, जब आप रन करते हो तो वो माई नेम इज समथिंग कहाँ लिखा जाता है, वो स्क्रीन पे आता है, ठीक है। तो सीएसएस का क्या काम होता है, इसके आगे होगा उसको कहाँ दिखाना, स्क्रीन पे दिखाना, चाहे वो मैसेज हो या वेरिएबल हो। अगर वेरिएबल होगा तो वेरिएबल का वैल्यू दिखाएगा। अगर स्ट्रिंग है, मैंने कल बताया स्ट्रिंग क्या है, एनीथिंग रिटन इन डबल कोट्स, है ना, एनीथिंग रिटन इन डबल कोट्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग, ठीक है। जब हम सी आउट के आगे स्ट्रिंग लिखते हैं, यानी डबल कोट्स में कुछ भी लिखते हैं, तो सी आउट क्या करता है, उस स्ट्रिंग को कहां दिखाता है, कंसोल पे दिखाता है, है ना। इट इज यूज इंस्ट्रक्शन और पुट ऑपरेटर, लेकिन याद रखना जो सी आउट है इसके लिए हम हमेशा इंसर्शन ऑपरेटर या पुट ऑपरेटर करते हैं, यानी लेस देन लेस देन करते हैं, ठीक है। यानी जहां सी आउट होगा वहां इंसर्शन ऑपरेटर जरूर होगा, ठीक है। इसका कोई मकसद नहीं अगर सी आउट लिखेंगे और इंसर्शन ऑपरेटर नहीं लिखेंगे, इनका चोली दामन का साथ है। चलिए बेटा, इसके बाद में एग्जांपल, एक छोटी सी एग्जांपल है int a, int a, ठीक है। तो a मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप, है ना। yes, सी ए का मतलब क्या है, मैं लेता हूँ वैल्यू किसे, कीबोर्ड से, सीन ए यानी मैं कीबोर्ड से वैल्यू प्रेस करता हूँ, वो किस में चला जाता है, वो a में चला जाता है। अगर मैं कीबोर्ड से 7 प्रेस करूं तो a में क्या चला जाएगा, 7। Yes, अगर मैं कीबोर्ड से 10 प्रेस करूंगा तो की ए में क्या चला जाएगा, 10। बात आ गई समझ में, जी सर। ओके, इसी तरह यहां भी, यहां देखिए ये सी आउट है, ना सी आउट, तो सी आउट क्या करता है, सी एन लेता है वैल्यू, जो मैं यहाँ वैल्यू दूंगा कीबोर्ड से वो ए में चला जाएगा, यानी कीबोर्ड से जो भी वैल्यू मैं दूंगा सी एन की मदद से किस में चला जाएगा, ए में, जो अभी मैंने पिक्टोरियल आपको बता दिया, ठीक है। तो सी आउट क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लिखूं सी आउट, ये लिखूंगा इंसर्शन ऑपरेटर, फिर लिखूंगा डबल कोट्स में सी प्लस प्लस बेटर बेटर देन सी, तो क्या करेगा सी आउट, जो ये स्ट्रिंग है, यानी जब मैं इसको रन करूंगा तो ये स्ट्रिंग जो है यहां से यहां तक ये स्ट्रिंग है, ये कंसोल पे दिखाएगा, इसका ये काम है, ठीक है। अगर आप इसके बजाय सी प्लस प्लस बेटर देन सी आप अपना नाम लिखोगे यहाँ, तो ये आपका नाम कंसोल पे दिखाएगा जब रन करोगे, ठीक है। एक आप जो भी इसमें लिखोगे स्ट्रिंग में, वो क्या करेगा सी आउट कंसोल पे दिखाएगा, ये याद रखना हमेशा, ये मैसेज होती है, डबल कोट में जो भी हम लिखते हैं ये मैसेज होती है, और सी आउट उस मैसेज को कंसोल पे दिखाता है, कंसोल पे लाता है। ओके, इसी तरह अगर मैं यहाँ लिखूं int a equal to 10, तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने दोनों किया, यहाँ डिक्लेरेशन भी की तो और इनिशियलाइजेशन भी की, ये मैंने पढ़ाया है जिसे मैं बता रहा हूँ, वेरिएबल भी बनाया और वैल्यू भी दिया, वेरिएबल a बनाया फिर इसमें 10 डाल दिया, नीचे मैं क्या लिखता हूँ सी आउट ए लिखता हूँ ना, तो यार ए दिखाई नहीं देगा कंसोल पे, क्या दिखाई देगा, 10 दिखाई देगा, क्योंकि ए स्ट्रिंग नहीं है, ए क्या है, एक वेरिएबल मैंने बनाया, इसमें क्या डाल दिया, वैल्यू 10 डाल दिया, जब मैं सी आउट ए लिखूंगा तो वहां 10 लिखा जाएगा, वहां ए नहीं लिखा जाएगा, बात आ गई समझ में। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, अगर इस तरह लिखूं इसको ऐसे, तो क्या दिखाई देगा वहां, ए दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि ए अब स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। तो जो स्ट्रिंग में वो दिखाई देगा, अगर स्ट्रिंग नहीं है वेरिएबल है तो ठीक है, तो क्या दिखाई देगा वहां, ए का वैल्यू। अगर मैं ऐसे लिखूं वहां, फॉर एग्जांपल मैं लिखूं वहां सी आउट ऐसे बी, सी आउट बी लिखूं मैं यहां, ठीक है, तो क्या दिखाई देगा वहां, बी कुछ नहीं, कुछ नहीं दिखाई, एरर आएगी, क्या बी नहीं तो स्ट्रिंग है, बी माय स्ट्रिंग, नो सर, ना वेरिएबल, डबल कोट आसन घोषणा आसन, यस सर, आज की बी जो ये ब्लड बी आज नहीं, बी का चीज है, क्या है बी, क्या है यानी स्ट्रिंग, तेल क्या है बी, तेल जी बी वेरिएबल, जो चीज है करना आसन, यहाँ एक बी स्ट्रिंग आसन, यहाँ एक बी वेरिएबल आसन, स्ट्रिंग चुन के डबल कोट के वेरिएबल चुन के, वेरिएबल क्या चुन के,
क्योंकि हमने ए बी कभी बनाए नहीं ऊपर हमने बी को बनाए नहीं ठीक है तो बी जो बी में क्या होगा जब वेरिएबल ही नहीं है तो एर आएगी आपने वेरिएबल नहीं बनाया है ठीक है अगर मैं यहाँ लिखू आप बी को बनाऊंगा मैं यहाँ तो बी को बनाऊंगा मैं यहाँ अब वेरिएबल बन गया है ना जी सर अब दो वेरिएबल मैंने बनाया ए भी बनाया बी भी बनाया अब मैं यहाँ बी को प्रिंट कर रहा हूँ बी तो बी की वैल्यू क्या आएगी बी आएगा या बी की वैल्यू आएगी वैल्यू बी की वैल्यू आएगी क्योंकि बी वेरिएबल है लेकिन वैल्यू क्या मुझे बता सके वैल्यू क्या आएगी वहां क्या लिखा आएगा कंसोल पे 10 नहीं आएगा तो वो तो ए में है तो वहां जब वेरिएबल होगा लेकिन उसमें कुछ नहीं होगा तो वहां लिखा आएगा गार्बेज वैल्यू जंक वैल्यू गार्बेज हाँ अब आपके लिए एक नई टर्म है गार्बेज वैल्यू या जंक वैल्यू वो क्या होता है गार्बेज वैल्यू होता है अनप्रिडिक्टेड वैल्यू जब मैं बी बनाता हूं ना यहाँ जब मैंने बी बनाया उसमें कंप्यूटर कुछ ना कुछ वैल्यू डाल देता है कंप्यूटर पाने का वैल्यू आठ मान जिसका जिसका योर चॉइस वैल्यू ये बना ए बनाना ये में सीन ए ठीक है पल क्या तुम इस मजे कंप्यूटर की मेमोरी कभी खाली नहीं रह सकती है कंप्यूटर मेमोरी की खाली जरूरी कहीं तो बीस मन क्या बीस मन सू वैल्यू टेंथ पता है दह आशा वो आशा माइनस ट्वेल्व आशा क्या आशा कुछ भी लेकिन वैल्यू होगा इसमें दैट वैल्यू इज कॉल्ड जंक वैल्यू जंक वैल्यू यानी कि इंसान का दिमाग और कंप्यूटर की मेमोरी कभी खाली नहीं रह सकती है बीच ना आसान तुझे बीत आसा क्या सोचा आसा क्या सोचा सोच का मतलब क्या है क्योंकि आपकी मेमोरी खाली नहीं है इसी तरह यहां बी में क्या वैल्यू आएगा जंक वैल्यू आएगा जो अनप्रेडिक्टेबल है आप उस साइड में मत जाइए आप कंफ्यूज मत हो जाएगा तो यहां मैं डालूंगा आप फॉर एग्जांपल यहां मैं डालूंगा बी इक्वल टू 23 अब बी में क्या आएगा 23 आएगा क्योंकि बी में मैंने 23 डाल दिया ठीक है ओके आगे पास समझ में सी एन कंप्यूटर से वैल्यू कीबोर्ड से वैल्यू लेता है ठीक है सी आउट दिखाता है स्ट्रिंग को स्क्रीन पे यानी कंसोल पे या वैल्यू दिखाता है अगर वेरिएबल होगा तो उसका वैल्यू दिखाएगा अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग दिखाएगा यस ओके चलिए बेटा आगे देखिए क्या होगा यहां मैंने लिखा होगा सी प्लस प्लस बेटर देन सी ठीक है तो ये क्या कहां चला जाएगा ये इंसर्शन ऑपरेट की मदद से चला जाएगा सी आउट के पास सी आउट इसको कहां दिखाएगा मॉनिटर पे है ना यानी जो इसके राइट में वैल्यू है सी आउट के राइट में जो वैल्यू राइट में क्या है राइट में है इसके सी प्लस प्लस बेटर देन सी वही है ना राइट में yes, sir. है ना यहाँ यहाँ देखिए सी आउट फिर लिखा है मैंने सी प्लस प्लस बेटर देन ये सी आउट के किस साइड में है ये सी आउट के राइट साइड में है ना ओके तो क्या करेगा जो इसके राइट साइड में वैल्यू होगा वो इंसर्शन ऑपरेटर की मदद से सी आउट लेगा सी आउट फिर इसको मॉनिटर या कंसोल पे दिखाएगा अंडरस्टैंड ओके यूज ऑफ आईओ ऑपरेटर्स अब आ गई बात आईओ ऑपरेटर्स की जो हम इस्तेमाल करते हैं हमेशा यानी इंसर्शन ऑपरेटर और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लेस देन इज कॉल्ड इंसर्शन और पुट ऑपरेटर अगर हम दो लेस देन एक साथ डालेंगे तो इसका मतलब है ये इंसर्शन ऑपरेटर है साथ साथ में कोई स्पेस बीच में नहीं समझ आ गई बात अगर हम लेस देन एक साथ डालते हैं तो ये बन जाता है ऑपरेटर ठीक है तो इस ऑपरेटर का नाम है पुट और इंसर्शन ऑपरेटर ठीक है लेकिन याद रखना वहां कंफ्यूज नहीं होना आप इंसर्शन को एक्सट्रैक्शन लिखोगे तो एक्सट्रैक्शन को इंसर्शन लिखोगे नो सर ठीक है
एक याद रखना इंसर्शन ऑपरेटर कौन है तो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कौन. इट इज ऑलवेज यूज्ड विद सी आउट ऑब्जेक्ट. ये हमेशा हम सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं. यहां भी आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, यहां आप सी इन के साथ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर डालते हैं और सी आउट के साथ एक्सट्रैक्शन डालते हैं और सी इन के साथ के भी आप इंसर्शन ऑपरेटर डालते हैं. ठीक है, जब भी आप सी आउट लिखोगे तो इसके आगे क्या लिखोगे, लेस देन लेस देन. जब आप सी इन लिखोगे तो उसके आगे क्या लिखोगे, ग्रेटर देन इट डायरेक्ट द कंटेंट्स ऑफ द वेरिएबल और स्ट्रिंग ऑन इट्स राइट टू द ऑब्जेक्ट ऑन इट्स लेफ्ट. इट डायरेक्ट द कंटेंट्स ऑफ द वेरिएबल और स्ट्रिंग ऑन इट्स राइट. अभी मैं बता रहा था इसके राइट में जो वेरिएबल होगा सी आउट के, यहाँ इसके राइट में जो स्ट्रिंग होगी तो वो कहां दिखाएगा, वो स्क्रीन पे दिखाएगा. टू द ऑब्जेक्ट ऑन इट्स लेफ्ट पहले किसको डालेगा, ऑब्जेक्ट में. यानी इंसर्शन ऑपरेटर क्या कर राइट साइड आए ना सो तुलान सो चीज का दिवान लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट आए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सी आउट वेलकम टू सी प्लस प्लस. नीचे देखो ये लिखा मैंने स्टेटमेंट सी प्लस प्लस. यहां जो इंसर्शन ऑपरेटर है ना, यहाँ ये क्या है इंसर्शन ऑपरेटर लेस देन. इसके राइट में क्या है, वेलकम टू सी प्लस प्लस. हाँ है सर. तो ये क्या करेगा, वेलकम टू सी प्लस प्लस किसको देगा, सी आउट को देगा. कौन देगा, इंसर्शन ऑपरेटर. इंसर्शन ऑपरेटर ऑपरेटर का काम है काम करना. ठीक है, क्या काम करेगा, जो इसके राइट में स्ट्रिंग है या इसके राइट में वेरिएबल है वो किसको देगा, सी आउट को देगा. ओके, इट डायरेक्ट द कंटेंट ऑफ द वेरिएबल और स्ट्रिंग ऑन इट्स राइट टू द ऑब्जेक्ट ऑन इट्स लेफ्ट. ये स्टेटमेंट सही समझ आ गया आपको ये लाइन सर. हाँ, इसके बाद है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर. ये ग्रेटर देन इट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन और गेट फ्रॉम ऑपरेटर. इट्स कॉल्ड एक्सट्रैक्शन और गेट फ्रॉम ऑपरेटर. इट इज ऑलवेज यूज्ड विद सी इन ऑब्जेक्ट. ये हमेशा हम सी इन ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं. इट टेक्स द वैल्यू फ्रॉम द स्ट्रीम ऑब्जेक्ट ऑन इट्स लेफ्ट एंड प्लेसेस इट इन द वेरिएबल ऑन इट्स राइट. ये क्या करता है, ये लेता है वैल्यू कहां से, कीबोर्ड से, और उसको प्लेस करता है वेरिएबल में जो इसके राइट साइड में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सी इन सिंपल इंटरेस्ट, सी इन सिंपल इंटरेस्ट. तो ये क्या करेगा, सी इन क्या करेगा, वैल्यू लेगा कीबोर्ड से और किस में डालेगा, सिंपल इंटरेस्ट में डालेगा. सिंपल इंटरेस्ट. बात आ गई समझ में, जी जी सर. ओके, इसके बाद पढ़ेंगे हम कैस्केडिंग ऑफ आईओ ऑपरेटर्स. कैस्केडिंग ऑफ आईओ ऑपरेटर्स, हमारे पास दो आईओ ऑपरेटर्स हैं जो हमने अभी पढ़े. एक है इंसर्शन ऑपरेटर, मल्टीपल यूज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेटर्स इन वन स्टेटमेंट इज कॉल्ड कैस्केडिंग ऑफ आईओ ऑपरेटर्स. ठीक है, अगर हम एक से ज्यादा दो तीन चार पांच दस पंद्रह बीस इनपुट ऑपरेटर या आउटपुट ऑपरेटर एक ही स्टेटमेंट में इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैस्केडिंग ऑफ आईओ ऑपरेटर्स. अंडरस्टैंड मी, ठीक है. अगर एक से ज्यादा इनपुट ऑपरेटर या एक से ज्यादा आउटपुट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं एक ही स्टेटमेंट है, दैट इज कॉल्ड कैस्केडिंग ऑफ आईओ ऑपरेटर्स. ओके, तो एक प्रोग्राम छोटा सा मैंने लिखा यहाँ. पहले सबसे ऊपर इंक्लूड फाइल्स, फिर वर्ड मैन, फिर CRSER, फिर int ABC. यानी मैंने तीन यहाँ वेरिएबल बनाए, एक का नाम A रखा, दूसरे का नाम B रखा, तीसरे का नाम C रखा. इंटर फिर यह मैसेज में पहले प्रिंट करता हूँ, सी आउट इंटर वैल्यूज ऑफ A एंड B. इंटर वैल्यूज ऑफ A एंड B. ठीक है, ये क्या आएगी, मैसेज आएगी किस पे, पहले कंसोल पे. इन्हें बड़ी हुई मैसेज लिखने था. Yes, sir. फिर क्या, फिर सी इन ए बी, फिर रुकेगा आपका कर्सर, वो बताएगा आपको ए का वैल्यू दे दो और बी का वैल्यू दे दो. ठीक है, तो आप देखिए यहां मैंने यहां कैस्केडिंग की है. ठीक है, यहां कितने ऑपरेटर्स मैंने इस्तेमाल किए, दो ऑपरेटर्स. एक ऑपरेटर यह है ना, ये ग्रेटर देन सर. ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर,
और दूसरा ये है, यानी मैंने एक ही स्टेटमेंट में दो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स इस्तेमाल किए, दैट इज कॉल्ड कैस्केडिंग। मैं इसे ज्यादा भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, तीन भी, चार भी, जितना आपको चाहिए, ठीक है। इसी तरह मैंने यहाँ कैस्केडिंग की सीआउट में, यहाँ मैंने एक डाला, यहाँ ये एक ऑपरेटर यहाँ डाला, दूसरा यहाँ डाला, है ना, यहाँ भी कैस्केडिंग। yes, sir. मैंने दो, इसमें दो इंसर्शन ऑपरेटर इस्तेमाल किए। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है मैनिपुलेटर्स। मैनिपुलेटर्स, मैनिपुलेटर्स और ऑपरेटर्स यूज्ड विद इंसर्शन ऑपरेटर टू मॉडिफाई और मैनिपुलेट द वे डेटा इज डिस्प्लेड। मैनिपुलेटर क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या हम अपने डेटा को फॉर्मेट करेंगे, अपने डेटा को फॉर्मेट करने के लिए हम मैनिपुलेटर इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको प्रोग्राम में दिखाया था, जब आउटपुट आता था, फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ ए एंड बी, जब बी आता था तो 10 आता था बी के साथ, सम भी साथ आता था, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हो कोई प्रोग्राम, उस पर आप लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल सी आउट माई नेम इज समबड़ी, सी आउट दूसरी लाइन पे लिखते हो आई रिजाइड इन डेरी डेश, ठीक है, तीसरी लाइन पे लिखते हो माई एडमिशन नंबर इज डेरी डेश, ठीक है। तो आप कितनी लाइन लिखते हो प्रोग्राम में, तीन लाइन। जब आप इसको कंपाइल करोगे फिर रन करेगो तो उसको वहां एक ही लाइन बन जाएगी, कंसोल पर कस लाइन है सो आगे लाइन फचरे लाइन लिखे थे प्रोग्राम समझता हूँ, त्रे लाइन लिखे ना, समझा रहे मेरी बात? हेलो हेलो, यस सर, हाँ ठीक है जी। यानी अगर आप अपने प्रोग्राम में लिखोगे, पहली लाइन लिखोगे सी आउट माय नेम इज फॉर एग्जांपल कुछ भी लिखो जो आपको मर्जी है, दूसरी लाइन लिखोगे आई रिजाइड इन सी आउट आई रिजाइड इन डेडेश, तीसरी लाइन लिखोगे आप अपने प्रोग्राम में सी आउट माय रोल नंबर इज डेडेश, तो तुम कितनी लाइन लिखते हो, थ्री लाइन। मगर इस पर तो ये कंपाइल करो, पता रन करो, रन कर कस लाइन बन नम दई आख ताकि आगे लाइन, ठीक, ताकि आगे लाइन इसी पर सॉरी लिखना, ठीक। तो आप क्या चाहते हो, मुझे वहां भी तीन लाइंस आनी चाहिए, एक पे नेम आना चाहिए, दूसरे पे रेजिडेंस आनी चाहिए, तीसरे पे क्या आनी चाहिए, तीसरे पे क्या आनी चाहिए, तीसरे पे हम मेरा रोल नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो आप वहां नहीं चेंज कर सकते कंसोल पे, तो आप अपने प्रोग्राम में चेंज करना है, तो प्रोग्राम में चेंज करने के लिए आप मैनिपुलेटर का इस्तेमाल करते हो, इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें दो मैनिपुलेटर हैं जो आपके सिलेबस में, एक है एंड एल, एंड एल, ठीक है, एंड एल मींस एंड लाइन, इट कॉज अ लाइन फीड टू बी इंसर्टेड इनटू द स्ट्रीम, इट इज यूज्ड विद सी आउट स्टेटमेंट एट ए प्लेस वेयर इट इज डिजायर्ड टू टेक द रेस्ट ऑफ द डिस्प्ले ऑन टू द नेक्स्ट लाइन। फॉर एग्जाम्पल सी आउट एंटर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, फिर क्या लिखा मैंने एंड एल, तो क्या होगा, सी आउट के बाद मैंने यहाँ स्ट्रिंग डाली इंटर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, तो ये कहाँ लिखा जाएगा, कंसोल पे लिखा जाएगा, फिर उसके बाद मैंने यहाँ एंड एल डाल दिया तो आपका कर्सर वहां दूसरी लाइन पे आ जाएगा, ये लेफ्ट चित्र का पेटी थी बिक्स लाइन पे, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा यहाँ सी आउट ये मैंने दूसरी लाइन बनाई, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पहले इंटर द इंटर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी एक लाइन पे आएगा, फिर नेक्स्ट लाइन पे आएगा क्या, हे व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। तो इसमें दो लाइंस वहां आएंगी, अगर मैं यहाँ एंड एल नहीं डालूंगा यहाँ, ठीक है, तो क्या आएगा, एक ही लाइन पे आएगा दोनों, इंटर वैल्यूज ए एंड बी, हे व्हाट यू आर, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, तो एक ही लाइन में आएगा। तो दो लाइन पे लेने के लिए मैं यहाँ क्या डालता हूँ, यहाँ इस पे डालता हूँ यहाँ एंड एल, ओके। इसी तरह एक और यहाँ ऑपरेटर है, एक और सॉरी एक और मैनिपुलेटर है सेट डब्ल्यू, सेट विड्थ, जनरल सिंटैक्स इज सेट डब्ल्यू एन, इसका सिंटैक्स है सेट डब्ल्यू एन, यानी एन होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स,
कितनी स्पेस बीच में डालनी है। अगर आप एन को फोर डालोगे तो फोर स्पेस आएगी, अगर एन आप टेन डालोगे तो टेन स्पेस आएंगी, फिर दूसरा नंबर आएगा। इट कॉज द नंबर और स्ट्रिंग दैट फॉलोज इट इन द स्ट्रिंग टू बी प्रिंटेड विद इन फील्ड एन कैरेक्टर्स वाइड वायर एन इज द आर्ग्यूमेंट टू द सेट डब्ल्यू एन। फॉर एग्जाम्पल सर हमारी क्लास है। हाँ बस दो मिनट में हमारा क्लास खत्म हो रहा है। int a equal to 23 see out value of a is set w 10 फिर a है तो क्या आएगा, पहले वैल्यू आएगा वैल्यू ऑफ a इज यह लिखा आएगा, फिर क्या आएगा सेट w 10 है 10 स्पेस आएगी ठीक है, फिर a का वैल्यू आएगा ओके। यानी पहले वैल्यू ऑफ a इज लिखा जाएगा कंसोल पे, फिर वहां 10 स्पेस आएंगी, फिर a का वैल्यू आएगा क्योंकि a वेरिएबल है, फिर 23 आएगा ओके ठीक है। तो रेस्ट है वो हम कल इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। सच्ची? ठीक है क्योंकि इसके बाद में आपका एग्जाम ले रहा हूं ओके ठीक है, जब ये कंप्लीट होगा कल इंशाल्लाह तो फिर आपको मंडे का एग्जाम देना पड़ेगा। नाउ यू कैन टेक द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। Have a nice day.